फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल केयर फ्री फन बी। तो आज हम लोग कहाँ पे हैं मम्मी? ग्लोबल विलेज। तो आज मृदुल और प्रफुल नहीं आए क्योंकि उनको ऑफिस के काम था। तो मैं, मम्मी, पापा और राहुल आए। दोस्तों, हम लोग ग्लोबल विलेज के अंदर आ गए हैं। अब ये अंदर से मैं आपको मेन गेट दिखा रहा हूँ जो कि काफ़ी प्रीटी था, काफ़ी सुंदर था। और यहाँ पे जैसे ही हम लोग एंटर किए हैं ना, यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स थी जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वर्ल्ड के जो फेमस स्कल्पचर्स हैं वो यहाँ पे बने हुए थे। हर का नाम तो हमें नहीं मालूम। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या है। ये मुझे लग रहा है कि ताइवान या कोरिया का, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ये कहाँ का है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा है, थोड़ा अलग सा है भीड़ में। देखिए, मैं जूम करती हूँ। तो ये इराकी बाजार के ऊपर वाला तो सिडनी का ओपेरा हाउस है। और ये देखिए, इन्होंने पेड़ का कितना खूबसूरत सा बनाया हुआ है सेप। और चलिए फिर यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे और क्या क्या है। तो ये देखिए, जब मैं घूम के देखा तो ये गेट का सेप देख रहा था। और यहाँ पे ये स्टोर्स, शॉप्स जहाँ से आप सामान खरीद सकते हैं। और ये जो पहला है एंट्री के बाद, ये है टर्की का पवेलियन, और जो कि काफ़ी सुंदर था। आज का मौसम तो बहुत ही ख़तरनाक था। बादल देख के आपको एहसास हो ही गया होगा। मैं आपको थोड़ा और पास से दिखाता हूँ कितना प्रिटी लग रहा था। ये देखिए, क्रिसमस ट्री बीच में आ रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये देखिए, ये है टर्की का पवेलियन। तो अभी हम इसमें जा रहे हैं। यहाँ से मुझे टर्किस की आइसक्रीम दिख रही है। ये पापा, ये मम्मी और वो राहुल वीडियो बनाते हुए। हमें टर्की का पवेलियन काफ़ी पसंद आया, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे एक मेमोरी के लिए एक वीडियो ले लिया जाए छोटा सा। और यहाँ पे अब हम लोग टर्की पवेलियन के अंदर आ गए हैं। ये आए जूस बार के बगल में टर्की का फेमस आइसक्रीम शॉप, जिसको खाना काफ़ी मुश्किल है, या आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा। तो ये वजह है कि इतना आसान नहीं है ये आइसक्रीम खाना। ये देखिए, बच्चे को आइसक्रीम दे रहा है और बार बार उसके हाथ से ले ले रहा है। और इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे ना बहुत प्यारी सी लाइट्स की शॉप थी। ये देखिए कितना सुंदर है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये लाइट्स। हमने यहाँ से कुछ खरीदा नहीं, बट देख के ये शॉप बहुत अच्छा लग रहा था। मसाला चाय पीने जा रहे हैं हम लोग टर्की पवेलियन से बाहर निकलने के बाद। तो हमें ग्लोबल विलेज के अंदर एक मिनी ग्लोबल इंडिया भी दिखा, क्योंकि ये भाई साहब थे पंजाब के और राजस्थान की ड्रेस में ये चाय बेच रहे थे। चाय तो हमें अच्छी लगी और इनका ये शॉप भी बहुत अच्छा लगा। तो हम लोग ने यहाँ पे चाय तो एंजॉय की। अगर आप भी आएँ तो ये चाय मिस मत करिएगा। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी टर्की पवेलियन के सामने हैं। और टर्की पवेलियन के सामने एक मस्त मसाले वाली चाय मिली है, जो कि कुल्लड़ वाली है। कुल्लड़ वाली चाय की मजे आप लीजिए दुबई में। मम्मी, आपको चाय कैसी लग रही है? गाइस, ये देखिए, आप ये ठीक टर्की के पास जो है पाकिस्तान पवेलियन है, और हमने चाय पी लिया। हम जा रहे हैं यहाँ। क्यूट क्यूट लग रहे हैं। यदि मेरा बस चलता तो मैं इनको घर लेके जाती। और ये रहा यूएई पवेलियन। सब देखिए कितना खतरनाक हो रखा है। ऐसा लग रहा है आज के हमारे ट्रिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए ऐसा मौसम हुआ है। अब भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, पर हम लोग शायद पहले पाकिस्तान चलते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको मैं पाकिस्तान पवेलियन में दिखाता हूँ। और यहाँ पे बिना पासपोर्ट वीजा के हम लोग घूम रहे हैं मस्ती से। छोटा सा पवेलियन था पर काफ़ी अच्छा था। ज़्यादातर कपड़े की शॉप्स थी अंदर। तो यहाँ से निकलने के बाद हमें जस्ट इसके सामने क्रिसमस ट्री था जो, ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा सा क्रिसमस ट्री है। हम लोग जा रहे हैं उसके पास। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है आगे बढ़ने में, बट इट्स ओके। पूरा फेस्टिवल मूड ऑन है। अच्छा क्रिसमस ट्री का डेकोरेशन था। फ़ोटो तो यहाँ बनती थी, तो हमने कहा कि एक फ़ोटो हो जाए यहाँ पे। मैं हर फोटो में मिस हो रहा था, तो इसलिए मैंने एक सेल्फी भी निकाल ली यहाँ पे। फिर यहाँ से आगे जाने के बाद अगर हम लोग पीछे मुड़ के देखें तो ये
बहुत प्यारा सा क्रिसमस ट्री था, इसके बगल में भी बहुत सारे अच्छे डेकोरेशन थे। मैं आपको लेके चलता हूँ यूएई में, यूएई के पवेलियन में। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ यूएई का पवेलियन कैसा है। मैं हम लोग यूएई के पवेलियन के अंदर आ गए हैं। इनका थीम कल्चरल था और यहाँ पे कपड़े की शॉप्स ज़्यादा थी। यूएई पवेलियन के बाहर यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स थे जो कि काफ़ी अच्छा, देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे बैठने के लिए, काफ़ी सुंदर लग। ग्लोबल विलेज में हमेशा कुछ ना कुछ फंक्शन चलता ही रहता है, तो यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। गाइज़ अभी हम लोग ना कोरिया पवेलियन जा रहे हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे देखना है कि कुछ अच्छे अच्छी चीज़ें मिली तो मैं खरीदूँगी, क्योंकि मुझे कोरियन सीरीज़ देखना बहुत मज़ेदार लगता है और मुझे उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे कुछ मौका मिला तो मैं वहाँ से चीज़ें खरीदूँगी और ये मेरी चाल है वहाँ जाने की। ये लोग जा नहीं रहे थे लेकिन मैं चली जा रही हूँ। तो दोस्तों ये रिप्ले बिलीव इट और नॉट ग्लोबल विलेज दुबई, इसके बाद ये कोरियन पवेलियन है। हम लोग कोरियन पवेलियन में जाएंगे, देखेंगे क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग है भी कि नहीं है। हम लोग राइड्स की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग मॉम डैड के साथ आए हैं, तो वो लोग बोर हो जाएंगे उधर जाके। यदि मुझे कुछ काम की चीज़ें मिली तो मैं खरीदूंगी। ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, मुझे कुछ नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। अभी सामने हमें जापान का पवेलियन दिख रहा है, तो अभी हम जापान वाले में जाएंगे शायद। तो दोस्तों हम लोग कोरिया से निकल चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो ये आप अगर देखेंगे तो इधर रोड टू एशिया है, इट मींस वी कैन विजिट जापान, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। ओ पाकिस्तान हमने ऑलरेडी देख लिया है। सो देखते हैं रोड टू एशिया में क्या क्या है। तो डॉल आपको कोरिया में जाके कैसा लगा? मुझे बड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा, मैंने सोचा कि बहुत सारी चीजें खरीदूंगी पर मुझे कुछ मिला नहीं। ओ देखो अभी हम जापान और चाइना में जा रहे हैं, शायद मैं कुछ। तो हम लोग चलते हैं जापान की तरफ। आप लोग रोड टू एशिया। जापान का भी एंट्रेंस काफ़ी ग्रैंड था, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा डेकोरेशन था। और ये शेर जो जापानी कल्चर में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। जापान से बाहर आते हुए लोग और इन्हें जापान में भी कुछ नहीं मिला। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन, ये कुछ नया लग रहा है। अमेरिका एशिया में कैसे आ गया? काफी अच्छी डेकोरेशन है। तो दोस्तों ड्रैगन देख के आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि ये चाइना का पवेलियन है। चाइना का पवेलियन भी बाहर से तो काफी अट्रैक्टिव था, काफी सुंदर। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा है ये। कौन सा पवेलियन है ये? ये चाइना का पवेलियन है, थोड़ा सा और जूम करो। ये देखिए ढेर सारे ड्रैगन्स। तो दोस्तों ये फिलिस्तीन का पवेलियन है और उसके बगल में लेबनान का है और आगे केएसए इजिप्ट और इधर बहुत अच्छा सा फाउंटेन है। यहाँ पे लास्ट टाइम फायरवर्क्स हो रहे थे न्यू ईयर पे और इस साल भी होंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा फाउंटेन है। और
और दोस्तों देखिए, हम लोग फाइनली ढूंढते ढूंढते इंडिया के पवेलियन में आ गए हैं, एक्चुअली गेट पे पहुंच गए हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल डेकोरेशन है। मेन गेट से चलेंगे हम लोग, कितना प्यारा सा डेकोरेशन है। हाँ, हम लोग इंडियन पवेलियन तो ढूंढ पाए पर अभी तक इंडियन रेस्टोरेंट नहीं ढूंढ पाए हैं। हमें उम्मीद है कि यहाँ पे हमें मिल जाएगा। देर हमारा स्वागत कर रहे हैं। हम लोग आ गए हैं इंडियन पवेलियन के अंदर फाइनली, और हमें देसी डिलाइट्स भी दिख गया है, बट देखते हैं हमें कुछ खाने लायक मिलता है कि नहीं। यहाँ पे समोसी समोसा हमें नहीं खाना है। मम्मी को क्या खाना है? वहाँ पे टर्की, और यहाँ से आप यदि देखोगे तो वो इंडिया है। इंडिया से इधर एग्जिट करना है हमको। मम्मी आ रही है, कैसा लग रहा है? मम्मी थक गई? तो ये ईरान का पवेलियन है। ईरान का पवेलियन, ईरान का गेट जो है वो काफी ग्रैंड है और काफी सुंदर लगता है। ये हर बार ये बहुत अच्छा बनाते हैं। इंडिया के पवेलियन के बाद हम लोग थक चुके हैं, और बहुत सारे पवेलियन हमने छोड़ दिए क्योंकि इतने सारे पवेलियन हम लोग नहीं जा पाएंगे एक बार में। तो अब हम लोग यहाँ से भाग निकलते हैं और घर जाएंगे, फिर घर पे ही कुछ खाएंगे क्योंकि मतलब यहाँ पे कुछ फास्ट फूड ज़्यादा है, या चाट वगैरह ज़्यादा है, स्ट्रीट फूड ज़्यादा है, और प्रॉपर रेस्टोरेंट्स नहीं है। तो अभी हम लोग एग्जिट पे खड़े हैं। ये ग्लोबल विलेज का एग्जिट है। अभी हमें वापस जाना है। ये देखिए, ये पूरा इंडियन का वो स्ट्रीट फूड है। तो आप लोग को कैसा लगा आके? तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा। मैं हर बहुत बार आती हूँ, मुझे हर बार अच्छा लगता है क्योंकि हर बार ये लोग कुछ ना कुछ अलग कर देते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा लगा यहाँ आके फिर से। और मैं अगर दोबारा रहा तो मैं वापस आऊँगा। आपको कैसा लगा पापा जी? अच्छा लगा। मम्मी आप दोबारा आएंगी? सोचेंगे। मम्मी का सोचेंगे मतलब नहीं आएंगी क्योंकि उन्हें बहुत चलना पड़ा है। ये राहुल जा रहा है और अब हम लोग घर वापस जा रहे हैं। गाइस, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।